हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मोहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान रजा साहब अजहरी क़िबला और तमाम दूर दराज से सुनने वाले मेरे अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم। दुरूद पाक पढ़ लें। سيدنا وشفينا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। My brother and sister, right now I'm not going to tell you or deliver any long speech in front of you. I'm just right here to introduce who is Mufti Salman Azhari. And same time, I would like to show you that the Hafiz and the Alim and the Fadil also can speak English like me. And you know, if you are understanding good, not understanding also good, language is most important part of your life nowadays. Look what Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu says when somebody asks Sayyidina Umar, oh Umar, why are you learning any language when you go anywhere? The language of area, why are you learning and studying? Sayyidina Umar says, I want to be safe from the disaster of the people where I'm going to step ahead. If I don't understand the language of the people in between, I would not be able to be safe, to be protected. That's why I want to learn any language that is related to my nation. My brothers and sisters, I know you guys are very crazy to listen to the speech of Maulana Mufti Salman Azhari Sahab Qibla. मुझे पता है कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं ना? रब के कुरान ने फरमाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ। رب نے ارشاد فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। जब मैंने अपनी इमाम की बारगाह में, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में अरीजा पेश किया कि हुजूर आप क्या कहते हैं इज्जत रसूल के बारे में, आप क्या कहते हैं इज्जत मोमिनीन के बारे में, तो मेरे इमाम मुस्कुरा कर फरमाते हैं, जहे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद, जहे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद की है अर्शे हक जेरे पाए मोहम्मद। और मुझे बोलने दे दे, कह लेने दे, आज से तकरीबन दो साल पहले आप जाएं, भाई आप हजरात जरा सा शांति का माहौल पैदा कर लें। अब ये जान लें कि जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक मुफ्ती साहब की तकरीर नहीं होगी। अगर आप शांत नहीं होंगे तकरीर नहीं होनी है।
आज से दो तीन साल पहले जो मखसूस अहबाब और दोस्त थे वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जानते थे, लेकिन जब कोई भी शख्स हमारे और आपके आका के नामूस पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए तो ये हमारे आका का सदका मिलता है कि दो साल के अंदर जो शख्स मखसूस अहबाब के दायरे में जाना जाता था आज उसको पूरी दुनिया जानती है और सलमान अजहरी के नाम से जानती है। मेरे इमाम ने कहा था, मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया था, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत से मरे दिल से, मोमिन है वो उनकी जो इज्जत से मरे दिल से, ताजीम जो करता है नजदी तो मरे दिल से। मेरे अजीजों, अगर इज्जत रसूल पर पहरा हमने दिया तो यकीन मानो हम्मे का हर बच्चा सलमान अजहरी बन सकता है, हम्मे का हर बच्चा मोहम्मद इब्ने कासिम बन सकता है, मोहम्मद और सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकता है। अब जरा सा मुख्तसर में मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला बड़ी ही खूबियों के हामिल हैं। आपको कोई एक बंदा मिलेगा हाफिज होगा कारी नहीं होगा, हाफिज और कारी हो आलिम नहीं होगा, हाफिज कारी आलिम हो फाजिल नहीं होगा, हाफिज कारी आलिम फाजिल हो मुफ्ती नहीं होगा, हाफिज हो आलिम हो कारी हो मुफ्ती हो मुकर्रर नहीं होगा, और इन तमाम सिफतों का जामे हो जाए तो फिर ये इश्के रसूल की दौलत बहुत कम लोगों को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रब तबारक तआला ने हिफ्ज की दौलत से सरफराज फरमाया, किरत की दौलत से सरफराज फरमाया, आलिमियत की दौलत से सरफराज फरमाया, फजीलत की दौलत से सरफराज फरमाया, और तो और अपने तो अपने हैं, अपने तो अपने हैं, मुफ्ती सलमान को याद करते ही हैं। जरा गैरों के मजमे में आप चले जाएं, गैर भी ये कहते नजर आते हैं कि मोहम्मद अरबी पर जो जान देने की बात करेगा रब तबारक व तआला उसका चर्चा मोमिनीन सुन्नियों के दरमियान भी बुलंद फरमाएगा और गैर सुन्नियों में भी बुलंद फरमाएगा। नहीं, मेरी बात सुन ले, देख ले, एक नाहंजार किस्म के शख्स ने रसूल पाक की शान में यावागोई की, बदतमीजी के अल्फाज बोले, और जब जिस सब मसलहत का रोना रो रहे थे अगर कुछ बोलेंगे एफआईआर हो जाएगा, घर से उठा लिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों का शेवा है कि एक शेर हिंदुस्तान का शेर हमारी जमात अहले सुन्नत का खड़ा होता है शेर और कहता है ये सीना है अगर चाहो तो गोली चला दो, ये मोहम्मद अरबी का मोहब्बत भरा मदीना है अगर चाहो तो इस सीने पे गोली चला दो। सलमान अजहरी और इसी तरह से तमाम सुन्नी अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। उसी को आज हम और आप सलमान अजहरी के नाम से जानते और पहचानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चार साल तक मिस्र की सरजमीन पर हमारे और हजरत के दरमियान बड़े अच्छे रवाबित रहे, और उसके बाद मेरा कनाडा जाना हो गया लेकिन रابطہ बराबर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर हमारी जमात अहले सुन्नत में कोई आज भी बबांगे दोहल ये ऐलान करता है बगैर किसी गवर्नमेंट का की फिक्र किए हुए कि हम अगर नामूसे रिसालत पर पहरा देंगे तो रब तबारक तआला हमारी इज्जत बढ़ाएगा। और हमने देखा कसम खुदा की वो रात जो दिल्ली की रात थी जब जब हजरत मुफ्ती साहब क़िबला उस नाहंजार को जवाब देने के लिए गए थे, नाहंजार तो नहीं आया लेकिन बहुत सारे लोगों ने सीबीआई ने और न जाने कौन कौन से सेक्टर के लोग आए
पुलिस पे लोगों को इन्फॉर्म किया गया, हजरत को ले जाया गया और न जाने कैसे कैसे सवालात से गुजारा गया। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो इज्जत रसूल की हिफाजत करेगा हमारे रसूल उसकी हिफाजत करेंगे, जो इज्जत रसूल पर मरेगा जो इज्जत रसूल पर पहरा देगा रसूल पाक की अजमतों का पहरा उसके इर्द गिर्द हमेशा रहेगा। आज हमारी और आपकी निगाहों के सामने हजरत सलमान अज़ीज़ साहब तुल्ला तशरीफ रखते हैं, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ तमाम अल्फाज एहतराम उनके कदमों पे निछावर करते हुए अर्ज करेंगे कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से इन भदोही के लोगों को, माधो सिंह के लोगों को और जो दूर दराज से आने वाले मेहमान हैं उनके दिलों को इश्क़े मुस्तफ़ा से लबरेज फरमाएं और उनके दिलों में इश्क़े मुस्तफ़ा की ऐसी शमा रोशन करे कि जब ये जिंदा रहे तो मोहम्मद अरबी का नाम लेते रहे और जब यहाँ से जाएं तो लोग कहें कि ये देखो आशिक़े मुस्तफ़ा है जिसका जनाजा जा रहा है, कि शेर की आमद है, कि शेर की आमद है, कि रन काप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन काप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन काप रहा है, बातिल का जिगर कोहे कफन काप रहा है, रुस्तम का ये दिल उसके अंदर कफन काप रहा है। आइए हजरत मुफ्ती सलमान साहब तुल्ला का जोरदार नारे के साथ इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप हजरत अब शांति का माहौल बनाएं और मोहब्बत के साथ हजरत के एक एक जुमले जो इश्क से भरे हुए हैं उसको समाप्त फरमाएं।